सर यस गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग थैंक यू सर रवि कुमार सिहाग जी सर सर अपने विषय में बताएं हमें सर uh, मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है मैं राजस्थान के गांव तीन डी एम जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूं मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से किया है उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय कृषि परिवार से संबंधित हूँ मेरी कुछ आकांक्षाएं हैं और कुछ उपलब्धियां हैं और कुछ पर मैं काम कर रहा हूं सर आपकी क्या आकांक्षाएं हैं और क्या उपलब्धियां हैं कुछ बताएंगे हमें सर मेरी आकांक्षा है कि मैं अल्पकालिक आकांक्षा तो है कि सिविल सर्वेंट के रूप में काम करूँ और दीर्घकालिक है कि मैं एक अच्छे मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति के रूप में स्मृतिशेष रहना चाहता हूँ और उपलब्धियों के तौर पर सर मैंने अपनी जो पारिवारिक जो प्रतिबद्धताएं हैं और कर्तव्य है उनको बखूबी निभाया है साथ में मैंने अपनी पढ़ाई भी की है सर आपने ग्रेजुएशन किया है रवि जी 2015 में जी सर और आज हम 2019 में आ गए हैं उसके बाद आपने क्या किया 15 से 19 तक सर मैंने 15 में ग्रेजुएशन करके सर एक साल तो मैं घर पर रहा था कुछ घरेलू कार्य होते हैं जैसे आ, सिस्टर की शादी वगैरह तो उसके सर जिम्मेदारी मेरे पे थी तो वो करने के बाद में सर घर वालों ने मुझे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करने के लिए भेजा और उसके बाद में मैं सर दो साल मैंने तैयारी की और अठारह में अटैम्प्ट दिया था सर लेकिन आपको लगता है नहीं आपका फॉल बैक प्लान क्या है अगर नहीं होता है आपका सिविल सर्विसेज में चयन तो फिर आप क्या करेंगे सर मैं अगर सिविल सर्विसेज में पूरी मेहनत के बाद अगर चयन नहीं होता है तो सर मैं कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहूँगा जैसे मैं किसानों के लिए कुछ एन खोलना चाहूँगा या फिर अगर सरकार कोई लोन देती है तो मैं एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका पूल बैंकिंग खोलना चाहूँगा सर आपको नहीं लगता है आपके पिताजी एक खेतीहर हैं सालाना आमदनी पचास हज़ार के आसपास ही है जी सर तो आपका ये कर्तव्य बनता था कि फाइनेंशियली आप फादर को सपोर्ट करें आप बड़े हो गए हैं और इस मृग मरीचिका में आप पड़े हुए हैं सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज़ नहीं हुआ तो सर वैसे मुझे खुद पर इतना विश्वास तो है कि सर मैं आ, अगर इस प्रयास में नहीं होता है तो मैं दो तीन दो अगले प्रयासों में इसको कर लूँगा अगर नहीं होता है, तो सर जो भी कृषि के क्षेत्र में जितने भी नवाचार हो रहे हैं उसमें सरकार अनेक रियायतें देती है सर और छोटे किसानों के लिए भी अनेक अवसर हैं जैसे सूक्ष्म सिंचाई लघु सिंचाई या फिर अन्य जैसे पुलिंग है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके स्तर पर मैं प्रयास करूंगा सर आपको लगता नहीं है कि आपका सपना जो है वो बहुत ही वैरिड है मतलब तो पेंडुलम की तरह है एक तरफ आप सिविल अपने को सिविल सर्वेंट के रूप में इमेजिन कर रहे हैं दूसरी तरह एक आप आम खेतियार के रूप में अपने को इमेजिन कर रहे हैं ये कैसे आप सामंजस्य रखते हैं इस दो प्रोफेशन में सर सामंजस्य ये है कि जो सिविल सर्वा है सेवा है वो अत्यंत विविधता वाली सेवा है तो इसमें सर किसानों का कल्याण भी शामिल है तो अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मेरा जो पहला जो दूसरा लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाएगा और अगर सिविल सर्विस सिविल सर्विस में जाने का मौका नहीं मिलता है तो सर दूसरे बैकअप प्लान के रूप में मैं ये करना चाहूँ सिविल सर्विसेज की क्या विशेषताएं हैं जिन्होंने आपको आकर्षित किया सर मैं किसान किसान पृष्ठभूमि से हूँ और हमारे किसानों में जितनी भी समस्याएं होती है जैसे सर पानी की जो वाराबंदी है उससे रिलेटेड या नहर से पानी की चोरी होती है उससे रिलेटेड तो सर किसान लोग हैं वो कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन देते थे तो इस कारण से मेरा आकर्षण इस सेवा में हुआ लेकिन बाद में इसके बारे में मैंने और पढ़ा इसके कार्यों के बारे में विविधता के बारे में इसके वेतन भत्तों के बारे में तो सर मेरा आकर्षण स्वाभाविक था और उसके बाद में मैंने सर इसके लिए तैयारी चालू की धन्यवाद अच्छा ये बताइए सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है सर जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी की जो विखंडित रियासतें थी उन्हें मिलाकर एक अखंड और एकल जर्मनी का निर्माण किया था वैसे ही सरदार पटेल ने हमारे देश की जो रियासतें थी उन्हें मिलाकर हमारे भारत का निर्माण किया था सर कितने लगभग कितनी रियासतें थी सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता लेकिन पाँच के आसपास थी सर अच्छा अभी सरदार पटेल क्यों न्यूज में है सर उनकी मूर्ति का निर्माण कराया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी का गुजरात में तो इसका न्यूज कहाँ पे है गुजरात में किस जगह पर है सर ये नर्मदा नदी के पास में है सर कोई पहाड़ पे है क्या किसी हिल पे है सॉरी सर मुझे हिल का वहाँ पर कोई डैम भी है सॉरी सर कोई डैम सर सरदार सरोवर डैम है सरदार सरोवर डैम है अच्छा ये लोग ये कह रहे हैं जो भाई ठीक है इससे आर्थिक विकास तो होगा लेकिन इससे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है और साथ ही साथ पर्यावरण के खिलाफ भी है बताइए सर पर्यावरण के खिलाफ तो जो तर्क है वो ये है कि जो डैम है उसके खिलाफ तर्क था कि जो डैम बनाने से जो पर्यावरण में वन भूमि का हास हो जाता है उस वो जलमग्न हो जाती है तो ये प्रमुख तर्क थे और मानवीय अधिकारों के मुद्दे पर जो आदिवासी लोग हैं सर उन्हें भूमि से विस्थापित कर दिया गया और उनके विस्थापन का मुद्दा सर अभी तक चल रहा है उसे उसे पूरी तरह से सरकार द्वारा खत्म नहीं किया गया तो ये प्रमुख मुद्दे थे लेकिन सर मूर्ति बनाने के पक्ष में ये है कि अगर मूर्ति बनाते हैं तो एक तो सर विश्व में हमारा जो नाम है कि भारत में सबसे बड़ी मूर्ति है दूसरा सरदार पटेल के योगदान को देखते हुए हम ये मूर्ति बना सकते हैं और तीसरा ये है कि सर अगर ये टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप होता है तो इस एक तो इसकी जो टिकट है उससे आमदनी होगी दूसरा से इसके बाहर जो एरिया डेवलप होगा उससे भी सर लोगों को रोजगार के अवसर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं आप सर सतत विकास की परिभाषा ये है कि अगली पीढ़ी के जो जितने भी रिसोर्स हैं उनको हम खत्म के बिना अगली पीढ़ी के एक ट्रस्टी के रूप में अगर हम रिसोर्स के लिए काम करें तो सतत विकास है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कहा जाता है जो सस्टेनेबल डिजाइन नहीं है कुछ पता है आपको सॉरी सर इसके बारे में तो। नहीं पता है मतलब इस स्टैचू को बनाने में क्या क्या कंपोनेंट्स क्या लगे कुछ आइडिया है सॉरी सर वो भी आपको ध्यान में नहीं कोई बात नहीं मोस्ट फेवर्ड नेशन सुना होगा आपने जी सर बताइए सर मोस्ट फेवर्ड नेशन जो डब्ल्यू टी ओ के प्रमुख प्रिंसिपल है उसमें है कि आप किसी एक नेशन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दे सकते और सबके लिए जो शुल्क हैं चाहे सीमा शुल्क हो या, या ट्रेड बैरियर्स जो भी हैं टैरिफ या नॉन टैरिफ वो एक समान रखने पड़ेंगे तो मोस्ट ट नेशन आज आज भी न्यूज में था कल भी न्यूज में था पाकिस्तान के संदर्भ में जी सर बताइए सर मोस्ट फेवरेट नेशन कुछ असर पड़ा पाकिस्तान पर मोस्ट फेवरेट नेशन का बहुत बड़ा असर अगर हम उम्मीद करते हैं तो वो तो नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ कुछ ये है कि पाकिस्तान से जो भारत में वस्तु आती है उन पर अगर हम हैवी ड्यूटी इम्पोज करते हैं पता चला है जो दो वस्तुओं पे 200 परसेंट ड्यूटी लगाई गई है जी सर बताइए उसके बारे में सर तो उन वस्तुओं की आवाजाही कम हो जाएगी कौन सी वस्तुएं हैं सॉरी सर मुझे चलिए कोई बात नहीं आ, आपके पिता कृषि से संबंधित है जी सर। और साथ ही अगर आप इसमें अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आप भी कृषि की ओर जा सकते हैं जैसा अभी आपने कहा जी सर हुँ? तो अभी अंतरिम बजट में कृषि से संबंधित क्या बातें कही गई हैं सर आ... तीन चार प्रावधान है पहला तो ये है कि किसानों को सर छः हजार रुपये वार्षिक मिलेंगे जो कि दो दो हजार की तीन किस्तों में दिए जाएंगे ठीक है एक प्रावधान है कि जो मछली पालन और पशुपालन है उसके लिए अलग कोष रजित किया जाएगा ताकि इनको भी हम किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऋण व्यवस्था से जोड़ सके तीसरा सर जो काम धेनु बोर्ड की स्थापना की जाएगी तो उसके थ्रू सर जो देसी गाय हैं उनका नस्ल संवर्धन किया जाएगा जो किसानों के लिए अच्छा किन किसानों को ये छः हजार दी जाएगी कोई इसके लिए शर्त है क्या कंडीशन है सर जिनकी भूमि दो हेक्टेयर से कम है जिनके पास कृषि भूमि उन्हें दी जाएगी तो राजस्थान में दो हेक्टेयर का अर्थ क्या हुआ कितना एकड़ हुआ है कितना बीघा हुआ सर आठ बीघा दो हेक्टेयर का अर्थ होता है दस हज़ार वर्ग मीटर होता है सर एक हेक्टेर. दस एक हेक्टेयर दस हज़ार तो आपके पास कितना है सर दस बीघा जमीन है हमारे पास आपके पास यानी दो हेक्टेयर के अंदर है आप दो हेक्टेयर से ऊपर है सर तो यानी आपको इससे फ़ायदा नहीं आपके पिताजी को फ़ायदा नहीं है नहीं सर चलिए मुझे एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए राजस्थान में आ, औरतों की शिक्षा के लिए क्या कौन कौन से विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जो कि बहुत प्रख्यात है सर एक तो वनस्थली विद्यापीठ है टोंक में जो बालिका शिक्षा के लिए बहुत विख्यात है इसमें सर खेल कूद पर भी उतना ही फोकस दिया जाता है जितना बालिकाओं की शिक्षा पर है उसके अलावा सर मोदी यूनिवर्सिटी है जो लक्ष्मणगढ़ में है वो भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत फेमस है सर हूँ और कोई सर अभी मैं दो ही रिकॉल कर पा रहा हूँ दो ही रिकॉल रिकॉर्ड चलिए थैंक यू रवि रवि आपके इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से जो जानकारी मैं ले पा रहा हूँ वो ये कि आप एक कम जोत वाले ही किसान हैं आमतौर पर केवल पचास हज़ार रुपये वार्षिक आपने आय लिखी है और बड़े पैमाने पर खेती का फेमिनाइजेशन पूरी दुनिया में हुआ है राजस्थान में भी हुआ है मैं जूम कर रहा हूँ कि आपकी माता भी इस खेती में सहायता करती ही होंगी फिर आपने इस राशि को केवल पिता की आय क्यों बताया है माता जी की आय को क्यों नहीं शामिल किया है सर ये गलती तो हुई है मुझसे कि मम्मी का भी बहुत योगदान रहता है खेती में और मैं लिख नहीं पाया सर तो आ, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है ऐसा कई आवेदनकर्ताओं से होता है आ, मैं एक ईमानदार आकलन चाहता हूँ कि ऐसा करते समय हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से में क्या चल रहा होता है हम क्यों अक्सर अपने परिवार की स्त्रियों के महत्व को आ, ऐसा नहीं कि हमारी मंशा ऐसी होती है लेकिन हम अक्सर दर्ज करने में चूक जाते हैं क्या हमारे अंदर एक पितृसत्ता होती है हाँ बिल्कुल सर अगर ईमानदार मूल्यांकन करें तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता हम सभी सर पितृसत्तात्मक ढांचे के अंदर जकड़े हुए हैं और इससे 100 प्रतिशत मुक्त हो पाना बहुत ही मुश्किल काम है और दूसरा ये है कि महिलाओं की जो जो कार्य है उसे सर हम जी के अंदर भी नहीं आँखते हैं जो भी वो घरेलू कार्य करती है या कृषि में योगदान करती है उसे जी डी कैलकुलेशन में भी नहीं आँखा जाता है और जो घर की आय होती है वो भी सामान्यतः किसान परिवार के लिए पिता की आय होती है सर ये मुख्य कारण ठीक बात है रवि ये बताइए कि हाल में सोलहवीं लोकसभा समाप्त हुई है जी सर अगर हम विधायी कार्य की दृष्टि से देखें तो इस सोलहवीं लोकसभा की क्या प्रमुख उपलब्धियां थी और क्या प्रमुख निराशाएं हैं अगर आप तीन उपलब्धि और तीन निराशाएं बता देंगे तो मेरे लिए पर्याप्त हो आ, सर उपलब्धि के स्तर पर तो सर एक तो जी का इम्प्लीमेंटेशन है वो सोलहवीं लोकसभा ने किया है दूसरा सर अगर कार्य की बात करें तो पिछली लोकसभा से हालांकि ओवरऑल कार्य को अच्छा नहीं आ सकता लेकिन पिछली लोकसभा से इसने अच्छा कार्य किया तिरासी परसेंट विधेयक पारित किए हैं और तीसरा सर आ, कोई बात नहीं ऐसी तो कौन सी प्रमुख निराशाएं हैं जो विदाई अपेक्षाएं थी लेकिन ये लोकसभा पूरी नहीं कर सके आ, सर एक तो महिला आरक्षण विधेयक था वो लोकसभा पास नहीं कर पाई क्योंकि सर महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व देखते हुए मैं इसे एक आवश्यक मानता हूँ कि महिलाओं को यह आरक्षण दिया जाना चाहिए दूसरा सर जो नागरिकता बिल है इसके संदर्भ में जो जितने भी वाद विवाद थे उनको ये पूरा नहीं कर पाई है क्योंकि राज्यों को भी संतुष्ट नहीं किया है और तीसरा कोई बात नहीं रवि अभी, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जब सरदार पटेल की मूर्ति की बात हो रही थी हमारे देश में सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है अच्छी बात है एक अन्य भारतीय और दरअसल एक गुजराती महात्मा गांधी की मूर्ति हाल के कुछ समय में एक अफ्रीकी देश में गिराई जा रही है वहाँ एक पूरा गहना में अगर आपको याद हो कि गांधी मस्ट फॉल करके एक पूरा आंदोलन चला और अंततः मूर्ति हटा दी गई क्यों गांधी जी की मूर्ति से घाना के लोगों को आपत्ति थी और वे आपको क्या लगता है क्या ये आपत्ति सही थी सॉरी सर मुझे इसके बारे में पता नहीं है मैं पढूंगा जाके चलिए कोई बात नहीं सोशल मीडिया पसंद करते हैं आपने साक्षात्कार की भाषा हिंदी रखी है मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि आप हिंदी में ही सोशल मीडिया में पार्टिसिपेट करते होंगे फेसबुक पर ट्विटर पर जहाँ पर भी आप हैं सर मैं इंग्लिश में पार्टिसिपेट आप अंग्रेजी में करते हैं जी सर आ, हिंदी में सोशल मीडिया में भागीदारी करने में क्या क्या तकनीकी दिक्कत है सर तकनीकी दिक्कों दिक्कतों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या सर टाइपिंग में आती है हालांकि सर अभी जो गूगल के जितने भी एप्स आ रहे हैं जैसे गूगल ट्रांसलिट्रेशन है उनसे सर टाइपिंग की समस्या काफ़ी हद तक हल हो रही है तो लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में जागरूकता भी नहीं है दूसरा सर हिंदी के अंदर जो टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश टू हिंदी अगर हम टाइप करें तो जो कई शब्द होते हैं जैसे अणह होता है या अड़ होता है तो उनका टाइपिंग आसान नहीं होती है तो ये मुख्य समस्याएँ हिंदी के अंदर है आ, आप हिंदी में क्यों नहीं करना पसंद करते हैं आपको तो इन तकनीकी दिक्कतों के बारे से भी पार पाना आता है सर इसका कोई ख़ास वजह तो नहीं है लेकिन सर पहले से इंग्लिश में कर रहा था तो हालांकि हिंदी में करता हूं लेकिन उतना यूजली नहीं करता और इंग्लिश में सर मैं ज़्यादा मह सहज महसूस करता हूं इसलिए थैंक यू जी सर रवि आपका विषय हिंदी साहित्य है ना जी सर मुझे एक कविता याद आ रही है जिसमें कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि साहित्यकार के बारे में ऐसा अक्सर कहते हैं तो कौन सी जगह है जहाँ कवि पहुँचते पर रवि नहीं पहुँच पाता कुछ ऐसी कल्पनाएँ करके बताइए उदाहरण दे बताइए कि जैसे यहाँ कवि पहुँच गया और यहाँ रवि नहीं पहुँच पाया था आ, सर एक प्रेमचंद जी की कोटेशन है कि साहित्य इतिहास और साहित्य के संबंधों पर उन्होंने कहा है कि इतिहास में तिथियाँ और घटनाएं सत्य होती है बाकी सब असत्य है लेकिन साहित्य में तिथियाँ और घटनाएं असत्य होती है बाकी सब सत्य है तो जो एक साहित्यकार होता है वो दूसरे के पर काया प्रवेश करता है सर उसके मानवीय जो भाव हैं उनके अंदर प्रवेश करके वो व्यक्ति अमुक समय पर क्या सोच रहा होगा इस बारे में वो विस्तार से लिखता है तो ऐसा कीजिए ना हिंदी साहित्य में कोई रचनाओं के एग्जाम्पल लेके मुझे बताइए कि सर इस रचना में लेखक ने ये बात कही है यहाँ तक रवि भी नहीं पहुँच पाता कवि पहुंच गया सर अषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है उसके बारे में सर उन्होंने कालिदास के बारे में लिखा है कि कालिदास किस प्रकार सत्ता के साथ द्वंद्व करते हुए सत्ता के लालच के आगे झुक जाता है तो ऐसा सर इतिहास में तो नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना से उसे इतना यथार्थवादी बनाया है कि वो सत्य प्रतीत होने लगता है तो यहाँ तक सर रवि नहीं पहुँच सकता जो कवि ने करके दिखाया एक ही बताएंगे एक अब कोई और भी सोच पाएंगे सर जो प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान उसमें सर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के जो वर्गगत चरित्र को उभारा है या ग्रामीण समाज की जो सूक्ष्म जो समस्याएं हैं उनका जिस तरीके से विवेचन किया है वो भी सर बहुत ही शानदार एक परिभाषा साहित्य की आती है कि साहित्य समाज का दर्पण है जी सर मुझे ऐसा लगता है कि परिभाषा बहुत ही नाकाफी सी है अपर्याप्त सी परिभाषा है इस परिभाषा में क्या दिक्कतें हैं और इसको अगर ठीक करना चाहें तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं और अगर आपको ठीक लगती है तो जस्टिफाई कर दीजिए कि ठीक ही है सर मुझे ये परिभाषा ठीक लगती है सर क्योंकि सर समाज में जितनी भी जो भी चीज़ें चल रही होती है अगर हम और किसी भी जैसे विषय को देखें तो उतना नहीं उकेर पाता जितना साहित्य कर पाता लेकिन समाज का दर्पण तो अखबार भी है और साहित्य भी है और टीवी का न्यूज़ प्रोग्राम भी है सोशल मीडिया भी है तो साहित्य कैसे अलग हुआ इन सब से जैसे मैं कि सोशल मीडिया समाज का दर्पण है फिल्में समाज का दर्पण हैं अखबार समाज का दर्पण है सारी बातें ठीक हैं साहित्य समाज का दर्पण है ये तो रिपीटेशन हुआ तो साहित्य में इन सब से कुछ तो भिन्न होगा अच्छा आप मुझे बताइए कि अखबार और साहित्य में क्या अंतर है दोनों समाज के दर्पण हैं लेकिन तभी दोनों में अंतर तो होगा ही क्या अंतर है दोनों में सर एक अंतर तो मैं जो सोच पा रहा हूँ वो ये है कि साहित्य में सर कल्पनाओं का प्रयोग हम करते हैं और जो सोच विचार करके किसी मनुष्य के मन में बैठने की जो क्षमता होती है वो साहित्यकार की अधिक होती है अखबारों में भी सर जो तथ्य हैं उनका अधिक विश्लेषण किया जाता है मनस्थितियों का कम विश्लेषण किया जाता है सर तो मनस्थितियों का विश्लेषण जहाँ होगा वहाँ साहित्य होगा तो साहित्य अखबार की तुलना में समाज का ज़्यादा अच्छा दर्पण है या उसकी तुलना में कमजोर दर्पण है या भिन्न प्रकार का दर्पण है सर वो साहित्य पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का है जैसे अगर नागार्जुन की कविताओं की बात की जाए तो सर उसके बारे में नामवर सिंह ने कहा है कि तुलसीदास के बाद में नागार्जुन जी ऐसे कवि हैं कि उनकी रचनाएं हैं वो कवि संगोष्ठियों से लेकर गांव की चौपालों तक है तो ऐसी कविताएं अगर ऐसे कवि हैं तो निश्चित रूप से समाज का दर्पण अखबारों से भी अधिक मुझे लगते हैं लेकिन अगर कोई कवि है जो कला को अधिक जैसे सर शास्त्रवादी है या शिल्पवादी हैं तो उनकी सर समाज के बारे में वो लिखते बहुत अच्छा हैं लेकिन समाज तक उनकी जो समावेशन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता आप लोकल डायलेक्ट्स बोलना पसंद करते हैं बोलियाँ बोलना पसंद करते हैं जी सर और बोलियों में तो मुहावरे लुकोख्तियाँ बहुत ज्यादा होते हैं जी सर अभी आपने पितृसत्ता की बात की जी सर ऐसा कहा जाता है कि लोक भाषा में मुहावरों में लोकोक्तियों में अक्सर सोशल बाइसिस खुल के सामने आती हैं बिल्कुल सर जैसे महिलाओं के खिलाफ दलितों के खिलाफ अश्वेतों के खिलाफ जितनी कहावतें होंगी उतनी कहावतें पुरुषों के खिलाफ नहीं होंगी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं होंगे या उसी जातियों के खिलाफ नहीं होंगे तो ऐसी पाँच मुहावरे या लोकोक्तियाँ बताइए किसी भी भाषा की हिंदी की डायलेक्ट की जो सीधे सीधे आपको लगता है कि पेट्री से भरी हैं या किसी और सामाजिक वर्ग की प्रभुत्व की भावना से भरी हुई हैं जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली जी सर इसमें तेली को लाने की जरूरत थी तेली एक जाति है जो निम्न कही जाती है तो तुलना करते हुए उसे कमज़ोर बताने की क्या ज़रूरत थी तो ऐसी कुछ और कहावतें बताइए जिससे पता लगे कि जो लोक भाषा है डायलेक्ट्स हैं मुहावरे हैं कैसे वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करते हैं सर एक तो है कि जोर जमीन जोर का नहीं तो किसी और का ठीक है एक है आ, सर कि बंगी की पहुँच नाली तक ठीक है और उसके अलावा सर तीसरा है कि नीच जात लतियाए अच्छा और चौथा है कि कहने से कुम्हार गदे नहीं चढ़ता और पांचवा है कि सर एक हिंदी में है कि सर मैं थोड़ा सा वो स्लिप हो रही है दिमाग से बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला हाँ जी सर क्या इसमें कोई दिक्कत है ठीक है सर इसमें दिक्कत लगती है सर क्या दिक्कत है इसमें सर इसमें रंग भेद के हमारे जो व्यूज़ हैं वो उजागर होते हैं सर हाँ क्योंकि भारत पर हमने तो गौरव ने किया था तो भारत में तो कहावत बुरी नज़र वाले तेरा बो गोरा होनी चाहिए थी जी सर और हम बोलते हैं मुकाला तो आपको लगता है कि रंग भेद का मामला है इसके पीछे सर ना चाहते हुए भी सर इसमें रंग भेद का मामला बनता है आप लोकल जो बोलियों की बात कर रहे हैं तो राजस्थानी भी एक भाषा है या बोली है वो भाषा है जैसा भी आपको ठीक लगे और ये डिमांड खूब चल रही है कि राजस्थानियों को भाषा का दर्जा मिलना चाहिए ऐसा दर्जा मैथिली को मिला है कुछ साल पहले मतलब हिंदी की बोलियों में से जिसको हम कह सकते हैं तो राजस्थानी को भाषा का दर्जा मिले या ना मिले पहले तो ये बताइए आपकी राय क्या है और दूसरा अगर मिले तो राजस्थानी कौन सी राजस्थानी को मिले राजस्थानी तो अपने आप में कोई एक ढांचा है नहीं तो किसको राजस्थानी माना जाएगा सर अगर राजस्थानी को भाषा का दर्जा देने की बात है तो इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा उनका ये है कि राजस्थान की जो भाषा के जो प्रयोगता हैं उनका काफ़ी बड़ा वर्ग है तीन चार करोड़ लोग बोलते हैं दूसरा है कि इसमें साहित्य की प्रचुर मात्रा है प्राचीन काल से लेकर मोहनौत नैन्सी सूर्यमल मिश्रण जैसे रचनाकार राजस्थानी और इसके अलावा सर विजयदान देता जी है उन्होंने काफ़ी लिखा है लेकिन सर इसके बारे में विपक्ष में तर्क ये है कि सबसे पहले तो सर राजस्थानी की चार बोलियाँ हैं उपभाषा की मारवाड़ी मेवाड़ी ढूंढाड़ी और मेवाती अगर मारवाड़ी मेवाड़ी जी सर जयपुरी जयपुरी को ढूंढाड़ी कहते हैं और चौथी मेवाती पर मारवाड़ी नहीं है मारवाड़ी बोला ना सर अच्छा दूसरी मेवाड़ी बताइए आपने मालवी नहीं है सॉरी सर मालवी अच्छा ठीक है बताइए तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इनमें से हम भाषा का दर्जा देंगे किसको क्योंकि सर अगर एक को देते हैं तो दूसरे वर्ग के प्रयोगता है उनको सर तुलनात्मक वंचन की महसूस होगी वो सोचेंगे कि भाषाई साम्राज्यवाद हम पर हावी हो रहा है दूसरा ये है कि सर राजस्थानी की जो लिपि है सर वो देवनागरी लिपि है तो इस बेस पे भी इतना तर्क उनका लगता नहीं है कि जैसे सर मैथिली को दिया गया था तो उसकी कैथी या तिरहुत लिपि थी और तीसरा ये है कि साहित्य भी इतना अधिक प्रचुर मात्रा में नहीं है और चौथा ये है कि सर सवाल आ, कि इससे होगा फ़ायदा क्या कि अगर हम मारवाड़ी को जैसे राजस्थानी को देते हैं तो इसमें विश्वविद्यालय के स्तर पर उसकी पढ़ाई चालू हो जाएगी या अकादमिक स्तर पर उसमें शोध हो जाएंगे लेकिन आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन इससे सर एक अनियंत्रित श्रृंखला बन जाएगी बोलियों के स्तर पर आंदोलनों की जो आगे सर तनाव ही जन्म देगी सर मान लीजिए आप आई बन गए अब तो राजस्थान के आदमी हैं राजस्थान में तो आजकल आरक्षण रेल की पटरियों से मिलता है अब आप आई बन गए और आपको आपसे बात करके लग भी रहे कि आप पितृसत्ता के समर्थक नहीं हैं बहुत ही जेंडर सेंसिटिव आदमी हैं जी सर अखा तीज के दिन राजस्थान में क्या होता है आपको ही पता है हमें ही पता है जी सर अखा तीज के दिन खूब बाल विवाह होते हैं और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर जाके रोक सके उनको जी सर तो मान लीजिए आप जिले के एसपी हैं और आपको पता लगा कि आपके ज़िले में कम से कम 300 बाल विवाह होने वाले हैं खतीज के दिन एक ही दिन होने वाले हैं एक ही स्थान पे होने वाले हैं पूरे ज़िले को पता है हर बार पता होता है आपको भी पता है पिछला एस पी पितृसत्ता का समर्थक था वो चुप रहता था आप इस पर कैसे मैनेज करेंगे कि ये ना हो और सीएम का भी दबाव है कि चुप रहना कुछ बोलना मत क्योंकि सीएम उन्हीं के वोट से सीएम है जो बाल विवाह करवा रहे हैं कैसे हैंडल करेंगे सर मैं दस पंद्रह सेकेंड लेना सोच के बताइए सर पहली बात तो ये है कि सर दबाव चाहे किसी का भी हो सबसे बड़ी बात है कि एक सिविल सर्विस होने के नाते सिविल सर्वेंट होने के नाते सर संविधान है मैं उसे फॉलो करूँगा और संविधान के तहत संसद ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना रखा है तो अगर कानून बनाया तो उसे इम्प्लीमेंट करने की मेरी जिम्मेदारी है सर और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों में इस बात को लेकर है कि वो बाल विवाह कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक होंगे जो इसे अनुचित बता रहे होंगे तो सर मैं उनकी हेल्प लूँगा जो और तीसरी चीज़ है कि धार्मिक लीडर हैं जो भी वहाँ पर जो बुद्धिजीवी होंगे सर मैं उनकी मदद से ये प्रचार करवाऊँगा कि ये सब गलत है और चौथा सर मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा कि इसके थ्रू जितने भी ग्रामीण स्तर पर जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उनको एक एक मैसेज आएगा कि आपके गांव के स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी निगरानी रखी जाए नहीं तो सर उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊँ सर एक अपराधी है जी सर जो कम से कम दस बार बलात्कार कर चुका है जी सर लेकिन गवाह नहीं मिलते सबूत नहीं मिलते बच जाता है पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों का रेप करता है जी सर सबूत नहीं छोड़ता दबंग आदमी है कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका आप ज़िले में गए आपको खबर मिली कि ऐसा आदमी है अचानक दो दिन बाद खबर मिली कि उसने एक और रेप किया किसी छोटी बच्चे के साथ और रेप करके भाग रहा है उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं आप पहुँचे अपने दल बदल के साथ वहाँ पर दल बदल के साथ और ऐसी सिचुएशन है कि वो राज्य की सीमा क्रॉस करने ही वाला है अब गिरफ्तार करना चाहेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सीमा क्रॉस कर लेगा जनता बहुत बड़े हजूम में जनता आपसे कह रही है कि इसको मारिए ख़त्म कीजिए क्योंकि ये आदमी आप अदालत के रास्ते इसको सज़ा दिलवा ही नहीं सकते ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि बच जाता है सबूत नहीं मिलते और सिचुएशन ऐसी है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है और जनता की भारी डिमांड पर आपके पास स्कोप है कि आप उसको मार दें ये सौ प्रतिशत तय है कि अगर आपने उसको गिरफ्तार किया किसी भी तरह से तो भी वो जेल में नहीं जाएगा बच जाएगा जमानत मिल जाएगी और उसे कुकर्म चलते ही रहेंगे बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर हैं वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए हम सबकी इज्जत का सवाल है हमारी बच्चियों का सवाल है क्या करेंगे आप सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा सर क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ संविधान और जनता में कौन प्राथमिक है सर संविधान प्राथमिक है सर संविधान के लिए जनता है ना कि जनता के लिए संविधान सर अगर संविधान कोई बात नहीं कर हाँ रवि जी आपने अपनी एरिया ऑफ़ इंटरेस्ट में लिखा है टू कन्वर्स विद पीपल इन देयर लोकल डायलेक्ट्स एंड रीजनल लैंग्वेज जी सर तो अभी तक आपने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को सीखा है सर मैं राजस्थानी के तीन डायलेक्ट्स या चार डायलेक्ट्स बोल सकता हूँ उसमें से सर एक दो डायलेक्ट समझ भी लेता हूँ बोलने में दिक्कत है इसके अलावा पंजाबी में बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ हरियाणवी बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ और अवधि है वो सर मैं अच्छे से समझ तो आपने विशेष रूप से मेंशन नहीं किया है कि आप राजस्थान और हरियाणा की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें कंफर्टेबल है अगर आप कल उड़ीसा जाते हैं और वहाँ लोगों से आपको बात करना पड़े और एक साल का आपका स्टे है तो पहले तो आप भाषा सीखेंगे फिर बात करेंगे तो फिर मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा लगा कि आपने लिखा है कि रीजनल लैंग्वेजेस में ही बात करना आपको अच्छा लगता है अदरवाइज़ आप बात नहीं करेंगे ऐसा है क्या माफ़ कीजिए सर थोड़ा मैं स्पेसिफाई करना है इसको भूल गया था लेकिन सर अगर मुझे उड़ीसा जाने का मौका मिले तो सर मैं इसे बहुत अच्छा अवसर समझूंगा क्योंकि मुझे एक नई भाषा सीखने को मिलेगी और सर मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ भाषा तो अगर उसके साथ साथ में मैं सर इंटरेक्ट करता रहूँगा कोई दोभाषा अगर उपलब्ध होगा तो उसके साथ और बहुत जल्द मैं सर मुझे विश्वास है कि मैं उस भाषा को भी सीख जाऊंगा सर ठीक है आ, अभी कमर्शियल सरोगसी पर भारत सरकार का एक रेगुलेशन आया है उन्होंने उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है जी सर कुछ लोगों का आ, मत है कि बिना स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए हुए इस तरह का डिसीजन अच्छा नहीं है जैसे कि कई महिलाएं हैं जो सरोगी में एक्टिव पार्टनर के रूप में पार्टिसिपेट करती है और वही उनके जीविका का साधन है उनके पुनर्वास की प्रॉपर व्यवस्था किए बिना सरकार ने निर्णय लिया आपको लगता है कि जस्टिफाइड है आप समझ पा रहे हैं जी सर सर पहले ये कमर्शियल सरोगेसी बैन नहीं थी लेकिन उसके बाद में कुछ कुछ केसेज ऐसे आए कि लोगों ने सरोगेसी करा ली लेकिन बच्चा लेने से इनकार कर दिया सर ये बहुत ही अनैतिक था तो इस बेस पे सरकार का ये निर्णय था सर उनकी जो जीविका का आ, मुद्दा है सर उस उन्हें और भी रोज़गार दिया जा सकता है लेकिन जो बच्चा जन्म लिया है और जो जो माता पिता ने उसको लेने से इनकार कर दिया तो सर उसकी जिम्मेदारी की बड़ी दिक्कत थी तो सर मैं इसके समर्थन में हूँ कि कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया जाना चाहिए और अगर उसे जारी भी रखा जाता है तो कुछ काफ़ी रेगुलेशन के साथ में रखा जाना चाहिए अच्छा अभी आजकल देख रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो स्टूडेंट्स होते थे यूथ होते थे वो पत्थरबाजी करते थे अब एक्टिवली फिदाइन के रूप में आके हमला कर रहे हैं आपको लगता है कि भारत सरकार की जो पॉलिसी थी कश्मीरियों को मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने के लिए स्पेशली यूथ को वो कम्प्लीटली फेल हो गई है जो ट्रस्ट डेफिसिट कम करने की जो योजना थी वो कारगर सिद्ध नहीं हुई अब हम लोग उनको अपने पास नहीं रख पा रहे हैं ये जो इंसिडेंट पुलवामा का हुआ है वो उस पॉलिसी का फेलियर है माफ कीजिए सर एक तो ये है कि कश्मीर के सभी लोग जो सभी हुए वो फिदाइन नहीं हुए हैं अभी भी अनेक हुए हैं जो आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और उसके पक्ष में नहीं बोलते हैं दूसरा ये है कि सर भारत की जो पॉलिसी है उसे मैं कंप्लीट फेलियर नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि मिलिट्री गवर्नेंस और सिविलियर गवर्नेंस है उसका तालमेल उतना अच्छा नहीं हो पाया है और आज तक नहीं हो पाया है क्योंकि अगर मिलिट्री किसी क्षेत्र में कोई कार्रवाई करके शांति स्थापित करती है जो कि एक अस्थायी होती है उसके बाद में सिविल गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस जगह पर जाकर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए अगर ये उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है तो ये हमारी एक तरीके से सर फेलियर मैं मान सकता हूँ आप आप अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और आप देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अलगाववादी लोग हैं उनके संरक्षण के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं इलेक्शन कमिश्नर के रूप में क्या आप कोई दंडात्मक कार्रवाई करेंगे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के विरुद्ध सर अगर इस बात के प्रूफ हैं तो दंडात्मक कार्रवाई मैं करूँगा सर क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का ये मेन ड्यूटी है कि वो फ्री इलेक्शन कराए तो उन पर एक तो पुलिस बल तैनात किया जा सकता है और उन पार्टियों पर भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है कि उनको कोई नोटिस भेजा जा सकता है या उन्हें वार्निंग दी जा सकती है कि आप इस प्रकार की कार्रवाई बंद करें अगर फिर भी नहीं मानती है तो सर इलेक्शन को एक तरीके से या तो पोस्टपोन किया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए या फिर उन पार्टियों पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है सर अच्छा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सुना है आपने जी सर क्या है ये सर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सर कोई भी जैसे राजनीतिक पार्टी है या ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोसी सबका सर अलग अलग होता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात की एक संहिता होती है सर तो क्या कारण है कि इसको लीगल बैकिंग नहीं मिला है अभी तक सर इसमें मुख्य समस्या है कि कई जो प्रावधान होते हैं वो सर ऑब्जेक्टिवली हम डिफाइन नहीं कर सकते कि जैसे नॉन पार्टीशनशिप का है तो इसके सर ना तो ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं ना इसके हमें पर्याप्त मात्रा में सबूत मिल सकते हैं तो अगर लीगल बैकिंग दे देंगे तो सर इसके दुरुपयोग का भी खतरा बढ़ सकता है सर उन पर एक्शन है वो उसका दुरुपयोग बढ़ सकता है सर जी सर रवि जी जी सर अभी मैं सुन रहा था आपको आपने कहा कि नई नई भाषाओं को सीखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती है जी सर आपका चयन हो जाता है प्रशासनिक सेवा में या पुलिस सेवा में जी सर और आपकी प्रतिनियुक्ति नागालैंड में हो जाती है जी सर आप अभी यंग हैं बैचलर हैं वहाँ एक नागा लड़की से आपको प्यार हो जाता है जी सर और अ कम्प्लीट लव आप चाहते हैं उससे शादी हो वो चाहती है आपसे शादी हो आपने भाषा सीख ली है आपको कन्वर्स करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है वहाँ अब समस्या ये है कि जब ये प्रस्ताव आप अपने पेरेंट्स को ले आते हैं जो कि राजस्थान के एक एग्रीकलचरल क्षेत्र से आते हैं वो साफ़ मना कर देते हैं कि तुम्हें चुनना है इस लड़की के बीच में और हमारे बीच में न हम उस लड़की का भाषा जानते हैं ना उसकी वेशभूषा बड़ा वेस्टर्नाइज ड्रेस पहनती है वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं वहाँ लोग बर्वीज़ ड्रेस पहनते हैं आभूषण भी काफ़ी पहनते हैं ये पसंद नहीं है और आपको चॉइस है कि क्या करें अब अपने लव को चुने आप या अपने पेरेंट्स को चुने अपने कर्तव्य को चुने दर इज़ अ क्लैश बिटवीन योर लव एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या चूज़ करेंगे आप और क्यों सर सबसे पहले तो मैं इसमें बातचीत का विकल्प चुनूंगा वो कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है तो जो मेरी प्रेमिका है सर मैं उसे कुछ ऐसे शब्द मेरी भाषा के सिखाऊंगा क्योंकि वो तो यंग है सर वो सीख सकती है अपनी वो नहीं नहीं सीखना चाहती है बोलती मैं नहीं नहीं, सीखूंगी तुम्हारी भाषा नहीं भाषा मैं सीखने का नहीं कह रहा हूँ वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कम्युनिकेट करेगी सर डेफिनेटली वो मेरे से प्यार करती है उसके साथ मेरे साथ रहना चाहती है तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेरे माता पिता के साथ बात करे और उन्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन दे क्योंकि वो सर बुज़ुर्ग हैं अभी उनके समझने की जो प्रोसेस है वो उतनी अधिक नहीं होगी जितना वो यंग के तौर पर समझेगी तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें मैं उस ऐसी भाषा में कुछ ऐसे वर्ड सिखाऊंगा ताकि वो जब मेरे मात, माता पिता से कम्युनिकेट करें तो उन्हें अच्छा महसूस हो दूसरा सर अगर मैं उससे मिलाने के लिए लाऊंगा तो उसकी वेशभूषा में थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ कि वो उसकी और हमारे साइड का कुछ मिक्सचर उसका तो फ्रीडम है वो चॉइस भी आप नहीं देंगे उसे कि क्या पहने वो क्या ओढ़े वो वो आप वो फ्रीडम नहीं देंगे उसे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी फ्रीडम छीन रहा हूँ लेकिन सर अगर प्यार करते हैं तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकती है जब उनसे मिले तो अब रिश्तों में अगर हम फ्रीडम की बात करने लगेंगे तो सर फिर कैसे चलेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कोई फैशन डिज़ाइनर या कोई दर्जी से ऐसे तो कपड़े नहीं लगता है कि आपको चाहिए कि अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के खातिर पेरेंट्स के खातिर अपने प्यार को छोड़ दें सर अगर दोनों में बैलेंस हो सकता है तो मैं वो ट्राई करूँगा अगर बैलेंस ना हो पाए तो किसे चुनेंगे आप अपने प्रेम को या अपने पेरेंट्स को सर मैं पेरेंट्स को चुनूंगा अंतिम क्वेश्चन रवि जी आप सात पर्यायवाची शब्द बताएं रवि का सर सूरज भानु दिनकर दिवाकर रवि सूर्य और भास्कर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि थैंक यू सर आपका इंटरव्यू समाप्त होता है अवेराओ बैठो थैंक यू सर हमारा सबका वेल्यूएशन ये है कि आपकी परफॉर्मेंस शानदार है एकदम बहुत बढ़िया उत्कृष्ट एक्सेलेंट एक्स्ट्रॉर्डनरी हालांकि मुझे बाकी मेंबर्स बता रहे हैं कि पिछले मॉक में आप इससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो इस मॉक में सर आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी सर सुबह से तो so, मेरी प्रेजेंस तो इसकी वजह नहीं है ना <laughs> नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर <laughs> लेकिन अब जो छोटी मोटी बातें हैं अगर उनको देखना हो तो देख लीजिए सिचुएशन हैंडलिंग आपकी जनरली बहुत अच्छी थी जब तक तो मैंने आपसे पूछा सवाल लास्ट सिचुएशन में भी अच्छा था क्योंकि आपकी चॉइस का मामला अंत में आपके चुनेंगे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से स्पेशली जो मेम्बर्स बैठते हैं वहाँ पर वो इतने मेच्योर होते हैं कि आपके चॉइस को लेकर बहुत अपसेट नहीं होते आप पेरेंट्स कहें और वुड बी वाइफ कहें तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आपने पूरी कोशिश की अच्छी बात है जी सर लेकिन एक सेंटेंस जो आपने बीच में बोल दिया ना कि अगर रिश्तों में भी फ्रीडम की बात करेंगे तो कैसे चलेगा वो जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स हैं उनसे बचना चाहिए जैसे सर ने कहा कि भैया आप उसको फ्रीडम भी नहीं देंगे कपड़े पहनने की सर वो बोलते ही समझ आ गया गए तो क्या बोल सकते हैं सर फ्रीडम पूरी है लेकिन जब मैं उसके घर जाऊँगा तो मैं थोड़ा सा उनकी तरह से अटायर रखूँगा अपना ताकि उसके पेरेंट्स को अच्छा लगे तो रिश्तों में फ्रीडम हमारी सिलेक्टिव नहीं होती थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है जी सर क्योंकि फैमिली चले रिश्ते अच्छे से चलें इमोशंस अच्छे हों तो हम सब बाई चॉइस अपनी अपनी फ्रीडम थोड़ी सी कम कर लेते हैं मैं उतनी फ्रीडम कम करने की बात कर रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं जितनी मैं उसकी कम करूँगा उसकी मैं भी अपनी भी कम करूँगा उसके घर जाते हुए उतनी अपेक्षा तो सर संबंधों में कोई भी रख सकता है तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए जो आपने वहाँ पर दी शुरू में आपने एक वाक्य बोला कि मैं वहाँ था फिर मेरे घर वालों ने मुझे आई बनने के लिए भेजा इस वाक्य से आप वीडियो में देखिएगा इस वाक्य से लग रहा है कि पपेट की तरह बात कर रहे हैं कि मेरे घर वालों ने भेजा मुझे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता था कि जब मैंने ऐसा रुझान दिखाया कि मैं सिविल सेवक बनना चाहता हूँ तो मेरे घर वालों ने मेरा समर्थन किया और मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया जी सर पढ़ने का मौका दिया अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है जब पूछा गया कि आपका बैकअप प्लान क्या है तो ये ठीक है कि आपको मान लेना चाहिए कि यह संभव है कि मेरा सिलेक्शन ना हो इम्पॉसिबल तो है नहीं लेकिन जितना जल्दी आप मान गए ना कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो, तो मैं खेती करूँगा ऐसा लग रहा है कि अब ये मानने को बहुत बेकरार हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा जी सर तो कम से कम एक दो बार इफ्सन बर्ष लगा कि सर मैंने तैयारी बहुत अच्छी की है मुझे लगता है हो ही जाएगा हाँ लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अगर नहीं होता है तो फिर मैं इस विकल्प पर जाऊँगा तो थोड़ा सा वहाँ पर तुरंत जम बात करो थोड़ा सा रुक के बैकअप प्लान में जिस तरह से आपने बताया खेती वाला ना बुरा नहीं है लेकिन जब आप इतना पढ़ने के बाद खेती की बात करें तो फिर खेती में कुछ नयापन देखना चाहिए जैसे आप कहेंगे सर कृषि को लेकर मेरे कुछ प्लान्स है मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूँ स्मार्ट फार्मिंग करना चाहता हूँ मैंने ये, ये स्टडीज़ की हैं इस तरह के बीज हैं इस तरह के इसके मार्केट्स हैं तो अगर मैं खेती में भी जाऊँगा तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कुछ इनोवेटिव तरीके से फार्मिंग करूँगा और दो चार वाक्य आप पे बोल दें या और भी तरीके हज़ार तरीके स्टार्टअप कह सकते हैं कुछ आप कह सकते हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कुछ उद्यम कर रहे हैं मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ और खेती बोल रहे तो कुछ नयापन दिखना चाहिए इसीलिए सर का सवाल ये है कि एक तरफ आप आई बनना चाह रहे हैं एक तरफ खेती करना चाह रहे हैं और ड्रीम्स में इतना पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं कि कैसे सामंजस्य करेंगे जी सर तो वो लगना चाहिए कि एक ही व्यक्ति की दो बातों में लिंक बना हुआ रिदम बने हुए बाकी करंट अफेयर्स में पाक का एम वाला आपको नहीं पता था ये तो मतलब माफी योग्य मामला नहीं है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है तो करंट अफेयर्स को तो ठीक ठीक से देखते रहिए बाकी तो सबसे अच्छी बात क्या लगी जैसे ही आप फंसे एक मामले में सर ने कहा कि आपने पूरी इनकम फादर की इनकम क्यों बताई मदर की क्यों नहीं बताई तो सबसे अच्छा क्या था आपने तुरंत माफ़ी मांग ली जहाँ लग जाए कि यहाँ बचने का स्कोप नहीं है आप सबसे अच्छा तरीके माफ़ी मांगिए ताकि वो बात वहीं ख़त्म हो जाए तो आपने कहा हाँ सर मुझसे गलती हुई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा होते क्या हुआ मेंबर से मन से माफ़ कर दिया बात ख़त्म हो गई जी ठीक है बहुत बढ़िया है और कोई वजह नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही ना बने अच्छा एक चीज़ जो मुझे लगा दो बार आपने जब नागा लड़की से रिश्तों की बात की आपने दो बार कहा जो कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा कंप्रोमाइज़ वर्ड की जगह अंडरस्टैंडिंग अगर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ठीक है ना वो जनरली हम लोग आम चार, बोल चाल की भाषा है जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट शुभकामनाएं